political party BJP, they have hijacked all the constitutional agencies. He was mentioning about whoever the opposition leaders or the reporters, whoever raising the issues. बीजेपी के नेता जो तेजस्वी यादव को अनपढ़ और नौवीं फेल कहते हैं, उन्हें तेजस्वी यादव के उस भाषण को सुनना चाहिए जो देश के सबसे शिक्षित राज्य में बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव ने दिया है। बीजेपी के नेता भले तेजस्वी यादव को निशाने पर लेने के लिए तेजस्वी यादव के शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाते हो, भले वो एक कहते हो कि तेजस्वी यादव नौवीं फेल हैं और उन्हें किस बात की जानकारी है, भले वो एक कह ले कि तेजस्वी यादव को कुछ नहीं आता है, तेजस्वी यादव ABCD नहीं जानते हैं और खुद के शैक्षणिक योग्यता की गुणगान करने वाले बीजेपी नेताओं को सुनना चाहिए कि कैसे तेजस्वी यादव ने केरला में जाकर फराटेदार अंग्रेजी में भाषण दिया है। तेजस्वी यादव के इस भाषण को शायद ही बिहार नहीं बल्कि देश के बड़े बड़े बीजेपी नेताओं को समझ में आया हो कि तेजस्वी यादव क्या कह रहे थे, और मैं कहना क्या चाहता हूं आपने भी जरूर ही समझ लिया होगा। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को मैंने शायद ही कभी देखा हो कि वो फर्राटेदार अंग्रेजी में भाषण देते हो, लेकिन तेजस्वी यादव जब बिहार से केरला पहुंचे, केरला में जब तेजस्वी यादव वहां की सरकार में हिस्सा लेने पहुंचे, तब तेजस्वी यादव खुले मंच से फर्राटेदार अंग्रेजी में भाषण दे रहे थे। तेजस्वी यादव लोगों को शुक्रिया भी कह रहे थे, धन्यवाद कह रहे थे, और साथ ही साथ तेजस्वी यादव खुले मंच से सोशल राजनीति की भी बातें कर रहे थे। तेजस्वी यादव समाजवाद की चर्चा कर रहे थे। तेजस्वी यादव उस मंच से लालू यादव की चर्चा कर रहे थे और देश के सबसे शिक्षित राज्य केरला के जो हजारों हजार की संख्या में लोग उस मंच पर तेजस्वी यादव के सामने बैठे थे, वो तेजस्वी यादव के भाषण को सुनकर तालियां बजा रहे थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें हिंदी समझ में नहीं आता, वो वहां की भाषा मलयालम समझते हैं, वो अंग्रेजी समझते हैं, और यही वजह है कि जब तेजस्वी यादव खुले मंच से फर्राटेदार अंग्रेजी में बीजेपी नेताओं पर भी बरस रहे थे तो केरला में लोग जमकर तालियां बजा रहे थे। बिहार बीजेपी के शायद ही नेता कभी अब तेजस्वी यादव के शैक्षणिक योग्यता पर सवाल खड़ा करेंगे। मैंने कभी बिहार में किसी बीजेपी के नेता को फर्राटेदार अंग्रेजी में भाषण देते नहीं सुना है, ना तो किसी मंच पर, ना ही किसी बैठक में, ना ही कहीं किसी गांव गली और कहीं सड़क पर। तेजस्वी यादव ने केरला में जाकर यह दिखाया है कि भले बिहार में मुझे नौवीं फेल कह लीजिए, भले आप मुझे ये कह लीजिए कि ये अनपढ़ है, भले आप ये कह लीजिए कि ये क्या कर सकता है, लेकिन केरला में जाकर जहां बीजेपी की खाता तक नहीं खुल पाई थी, वहां फर्राटेदार अंग्रेजी में भाषण भी दिया और वहां जाकर एक विधायक भी अपने पार्टी में जोड़ लिया है। यानी अब केरला के विधानसभा में RJD के विधायक की मौजूदगी भी होगी, जहां बीजेपी के विधायकों की संख्या नील बट्टा सन्नाटा है, यानी शून्य है। तेजस्वी यादव पर अंग्रेजी में प्रहार करने वाले लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव क्या समझेंगे, कभी कभी तेजस्वी जब भाषण में थोड़ा सा गलत गड़बड़ा जाते हैं तो लोग कहते हैं कि इन्हें आता क्या है, लेकिन वही तेजस्वी जब केरला में जाकर फर्राटेदार अंग्रेजी में बीजेपी नेताओं को खुले मंच से ललकारते हैं, खुले मंच से कहते हैं कि ये लोग कर क्या लेंगे, खुले मंच से ये कहते हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हुई, खुले मंच से जब तेजस्वी यादव फर्राटेदार अंग्रेजी में कहते हैं कि मेरे खिलाफ एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ, जब खुले मन से तेजस्वी यादव कहते हैं कि मेरे साथ रहने वाले लोगों पर भी आने वाले दिनों में शिकंजा कसा जा सकता है, तो वहां के लोग तालियां बजाकर तेजस्वी यादव का हौसला अफजाई कर रहे थे। लेकिन बिहार में बीजेपी के कुछ कुछ ही ऐसे नेता हैं जिन्हें तेजस्वी यादव का यह भाषण समझ में आया होगा। मैं सभी नेताओं के बारे में नहीं कह रहा हूं, क्योंकि बीजेपी में IAS लोग भी हैं, वो लोग तो फर्राटेदार अंग्रेजी जानते हैं, लेकिन जो नेता दिन रात अनपढ़ कहकर तेजस्वी यादव को कोसते हैं, क्या लगता है आपको कि तेजस्वी ने जो केरला में फर्राटेदार अंग्रेजी में समझाया है बीजेपी के नेताओं को समझ में आया होगा? आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। फिलहाल आप बिहार न्यूज के साथ बने रहे, धन्यवाद।